नमस्कार, मैं हूं नरेश रागानी और आप देख रहे हैं होराइजन न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित लोगों ने न्यायालय के लिए शरण, कल होगी सुनवाई, करोड़ों में डूबे लोगों के पैसे। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वजह से कई सीनियर सिटीजन के पैसे डूब चुके हैं। लोगों को जब शादी व अन्य खर्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तब सोसाइटी ने पैसे देने के लिए मना कर दिया। लोगों ने थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो सका, इसलिए पीड़ित लोगों ने न्यायालय की शरण ली। वैसे मामले में कल सुनवाई की जाएगी। वकील का कहना है कि ऐसे मामले हमारे पास रोज आ रहे हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से पीड़ित लोगों के करोड़ों में पैसे डूबे हैं। ये आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का मामला है सर। हमारे पास मुन्नालाल जी कुमावत और उनकी धर्मपत्नी प्रभा जी आए और इनके अलावा रामचंद्र जी शर्मा और अलका शर्मा जी आए। उन्होंने बताया कि साहब हमारा जो रिटायरमेंट का पैसा था, हमने सारा पैसा आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जमा करवाया और वहाँ इनके बच्चे की शादी है तो उसके लिए इनको पैसे की ज़रूरत थी सर। तो वहाँ उन्होंने चक्कर काटे कि साहब हमको पैसे की ज़रूरत है तो आप हमको कुछ पैसा वापस लौटा दो। तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, पर मजबूर होकर इन्होंने कोर्ट में इस्तगासा पेश कराया और कोर्ट में इस्तगासा पेश करने के बाद न्यायालय ने इसकी गंभीरता को देखते हुए कल इसको सुनवाई पर रखा है। और इस तरह के मामले कम से कम 40 से 50 हमने पहले भी कोर्ट के अंदर पेश कर रखे हैं, जिनके इनकी रकम होगी इनकी 26 लाख रुपए करीब रकम, 40 का अगर अपन माने तो कितना, ये करोड़ों में जा रहा है साहब। करोड़ों रुपए का तो हमने पेश कर ही चुके हैं अभी तक, और अभी तक लगातार इस तरह के परिवाद आ रहे हैं, मामले आ रहे हैं और इनकी कहीं सुनवाई न होने के कारण इनको न्यायालय में शरण लेनी पड़ रही है। अभी 45-46 के करीब तो हमने भी पेश कर दिया सर। अरविंद मीणा सर, मेरा नाम मुन्नालाल है, भजनगंज निवासी हूँ, सिंगार चौधरी भजनगंज निवासी अजमेर, और मैं रेलवे लोको वर्कशॉप में कार्यरत था और अचानक मेरे घुटनों के अंदर प्रॉब्लम और हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण मैंने घुटने रिप्लेस कराए, हार्ट का ऑपरेशन करवाया। डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, बीपी पेशेंट हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ और मिसेस की भी यही पोजीशन है जो मेरी है। लास्ट के अंदर मेरे से जब हिम्मत नहीं रही तो मैंने रेलवे से VRS ले लिया है ना, फरवरी 2017 के अंदर, और जो मेरे को रिटायरमेंट के ऊपर जो पैसा मिला उसको मैंने एक साल तक तो मेरे पास भी रखा। फिर बाद में मालूम पड़ी कि भाई इसको अपन अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो अपन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। वहाँ पे 21,10,000 रुपए की तो FD करा दी और 28,500 रुपए के शेयर खरीदे, और उन्होंने कहा था, बोली जब भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तब आपको इसके ऊपर तुरंत लोन मिल जाएगा और 3 साल बाद आप जब चाहोगे जब आपका पैसा ब्याज समेत वापस मिल जाएगा। तो जब अभी मैं गया तो बच्चे की शादी करनी है और मेरी भी तबीयत खराब है, मेरे को भी वजन बढ़ रहा है तो इसका ऑपरेशन वगैरह कराने के लिए इंदौर जाना है, तो इसके लिए मैंने पैसे के लिए गया था वहाँ पे कि मैंने चलो लोन ले लेते बच्चे की शादी के लिए और अपने इलाज के लिए, तो उन्होंने लोन के लिए भी मना कर दिया। और अभी थोड़े दिनों बाद वापस चक्कर लगाए तो देखा था वहाँ पे ताले लगे हुए मिले हैं। अब आज कोर्ट में वकील साहब से मिलकर के इनसे उन्होंने जो भी दावा पेश करा है अरविंद कुमार जी वकील साहब ने, मीना साहब ने। कलेक्टर सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित, कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। आज कलेक्टर सभागार में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर विष्णु शर्मा द्वारा की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉयज का वेरिफिकेशन, पुष्कर में बाहर से आने वाले मजदूरों और इन सबका भी वेरिफिकेशन हो। इसके अलावा बीकानेर में कथा के दौरान हुए हादसे से प्रशासन पूरा ध्यान रखेगा कि कोई लापरवाही न हो, इसलिए ऐसी धार्मिक कथाओं को करवाने से पहले उनमें इस्तेमाल होने वाले टेंट, बिजली की व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्री में परमिशन लेनी होगी। आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें लगभग सभी सदस्य उपस्थित थे और मुख्य रूप से जो बातें चर्चा की गई उसमें ज़िले में शांति और सौहार्द के लिए जो अपने कदम उठाए जाने चाहिए उसके बारे में चर्चा की गई। कुछ जगहों पे ये भी उनके द्वारा मांग की गई है कि जो ये ऑनलाइन फूड ऐप्स के माध्यम से जो कुछ घरों में खाना डिलीवरी करने वाले जो बॉयज़ हैं उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन होना चाहिए, पुष्कर में कैमल सफ़ेरी जो करा रहे हैं उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और उनका भी जो है चरित्र सत्यापन होना चाहिए। कुछ टेलरिंग यूनिट्स के बारे में भी चर्चा की गई जो पुष्कर में लगे हुए हैं जिनमें कि बाहर से आकर के जो है मजदूर काम कर रहे हैं पर उनका भी कोई सत्यापन नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो शराब की दुकानें हैं वो 8 बजे के बाद, ऐसा कुछ सदस्यों के द्वारा ये कहा गया जिससे कि शांति व्यवस्था भंग होती है। और इसके साथ साथ आने वाले
जो त्यौहार वगैरह हैं और जो उर्स का आयोजन होता है उसमें, और हम अपनी व्यवस्था को कैसे ठीक कर सकें, इसके बारे में चर्चा की गई। साथ में एक मुद्दा ये भी आया कि जो बाड़मेर में त्रासदी हुई है और जो टेंट के और ये विद्युत के जो अनुमति लेने होती है, वो हमने सभी को निर्देशित किया है कि कोई भी धार्मिक आयोजन अगर किया जाता है तो उसकी जो है विधिवत जो है SDM से और कलेक्ट्रेट से परमिशन लेने के बाद ही करें, और ये सुनिश्चित करें कि टेंट वाला जो है वो ये भी चेक करें कि जो टेंट सप्लाई करने के लिए कहा जा रहा है तो उसकी परमिशन जो है प्रशासन से ली गई है या नहीं ली गई है। और साथ साथ ये भी निर्देशित किया गया कि विद्युत वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो ऐसे आयोजनों में उसका जो है विधिवत रूप से उसकी चेकिंग कराई जाए और कहीं पे भी कोई त्रुटि नहीं हो ताकि ऐसे हादसे नहीं हो। माखुबरा क्षेत्र से जलते बाग पर बंदरों ने मचाया आतंक, कर्मचारी हो रहे परेशान, शिकायत भी की लेकिन नहीं निकला हल। माखुबरा क्षेत्र स्थित जलदाय विभाग पर बंदरों ने कई दिनों से आतंक मचा रखा है। बंदरों ने विभाग में खड़ी गाड़ियों के सीट कवर फाड़ दिए हैं। कर्मचारियों के टिफिन को छीना छपटी कर खा जाते हैं। कोई अधिकारी अगर अपने कार की कांच खुले छोड़ जाए तो उसमें घुसकर सीट कवर और कागजात फाड़ देते हैं। कर्मचारियों ने कई बार शिकायत भी की लेकिन हल नहीं निकला। बंदरों के डर से कर्मचारियों को हाथ में लठ लेकर चलना पड़ता है। कौन सा जलदाय विभाग है? ये SR7 घाटी माखुपुरा है और यहाँ पे बंदरों का बहुत आतंक है। गाड़ियों की सीटें वगैरह फाड़ देते हैं और हमारे टिफिन खाने के टिफिन है वो भी गाड़ी रोकते ही निकाल के ले जाते हैं और फिर इधर उधर झाड़ियों में हमें ढूंढना पड़ता है। यहाँ कोई अधिकारी या कोई भी आवे गाड़ियाँ वगैरह कार लेके तो अगर शीशे खोल देवे तो वो सीटें वगैरह कागज वगैरह सारे फाड़ देवे। तो किस तरह से आपको बचाव करके रहना पड़ता है यहाँ पर? बचाव तो डंडे और पत्थर बस यही हाथ में लेके चलना पड़ता है, नहीं तो ये तो देखते ही ऊपर आ जाते हैं। कितने करीब बंदर होंगे यहाँ पर? यहाँ कम से कम 60-70 की तादाद में है। इसमें कभी आपने कोई शिकायत लिखी? शिकायत तो कई बार कर दी हमने और बोल भी दिया डिपार्टमेंट को, लेकिन वो भी आगे शिकायत कर देते हैं पर ये बंदर है ये तो नियमन और बार पीछे नीचे बंदरों को केले वगैरह ये भी आने जाने वाले डालते हैं तो इस वजह से यहाँ पानी भी है तो यही टिके हुए हैं, भागते नहीं है। आपका नाम? मेरा लोकपाल सिंह। क्या कहते हैं आप यहाँ पर? SR7 क्लोरीन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। क्लोरीन गैस चलाने के उस सिंड्रेला कंपनी से हूँ। बंदरों का आतंक है यहाँ पर, कितना डर रहता है आपको यहाँ पर नौकरी करते हो तो क्या लगता है? हमारे को 24 घंटे डर है इनका, और जैसे हम मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और हमारा बैग में से टिप्पन वगैरह लेके चल जाते हैं, तोड़ देते हैं, खा जाते हैं खाना, और थोड़ा और ध्यान नहीं रखते तो सीट वगैरह सब फाड़ देते हैं, कांच तोड़ देते हैं और फिर भागते ही रहते हैं। इनके साथ 24 घंटा इनकी निगरानी रखते हैं, रात को भी डर है इनका, इनको तो है जो है रात को भी डर है, रात को भी किस तरह से आपको डर है? रात को भी यही लकड़ी रखते हैं हम तो, बड़ी वाली बड़ी लकड़ी है हमारे पास और ये गोपन रखते हैं, रात भर चलते रहते हैं, खाली हाथ नहीं जा सकते 24 घंटा। अच्छा, जब भी चलेंगे तब ये लकड़ी साथ रखनी पड़ेगी। कौन सी जगह है ये? SR7 टैंक है, जलदाय विभाग घाटी। नाम बताइए आपका? भंवर वैष्णव, जगपुरा डाणी। राजस्व मंडल कार्यालय में चोरी विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली हुई चोरी। गुगरा निवासी मोहनलाल ने दर्ज करवाया मामला। अजमेर सिविल लाइन थाने में आज एक अलग ही मामला सामने आया। थाने में मोहनलाल प्रजापत नामक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया कि राजस्व मंडल के कार्यालय में एक विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली चोरी हो चुकी है जिसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। जांच अधिकारी ने बताया कि राजस्व मंडल में पटवारी के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी कि जिसकी पत्रावली अचानक गायब हो गई, जिस पर कार्यालय के चपड़ासी मोहनलाल प्रजापत ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने बताया कि हमने मुकदमा दर्ज कर फाइल एवं चोर की तलाश शुरू कर दी है और जल्दी आरोपी हमारी गिरफ्त में होगा। कल दिनांक को राजस्व मंडल से मोहनलाल प्रजापत चपड़ासी अपने राजस्व मंडल के निबंधक की ओर से रिमार्क शुदा एक प्रार्थना पत्र पत्रावली जिले सिंह के खिलाफ पटवारी के खिलाफ कोई अपील में चल रहा था मामला, उसके फाइल मूल फाइल तलब फरमाई तो वो इन्होंने यहाँ से ढूंढी नहीं मिली, जिसकी चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है कल। किस तरह की पत्रावली? कोई जिले सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के अंदर सही होगी पत्रावली, वो नहीं मिली, उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। लूटेरों ने माहौल बनाकर एक व्यापारी के स्कूटर से लूटे 2,65,000 रुपए, पूरी घटना CCTV में कैद, पुलिस जुटी चोरों की तलाश में।
पड़ाव व्यापारी दिलीप थदानी रोज की तरह अपनी दुकान बंद करके दूध लेते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। तभी कुछ बाइक सवार आए और शोर मचाकर माहौल बनाकर दिलीप के स्कूटर में पड़ी कपड़े की थैली जिसमें 2,65,000 रुपए पड़े थे उसे लूटकर फरार हो गए। कई लोगों ने उन्हें पकड़ने की भी कोशिश की लेकिन वे बच निकले। मौके पर पुलिस भी पहुंची और कुछ युवकों को पकड़ा भी है जिससे तफ्तीश जारी है। ये पूरी घटना CCTV में कैद हुई। रोजाना की तरह रात को 10 बजे करीब मैं दुकान ऑफ करके घर की तरफ गया। रोजाना की तरह कैश होती है, दुकान से घर जाते वक्त रास्ते में दूध की दुकान आती है, वहाँ खड़े होकर दूध ले रहा था। जितने में 30 से 60 सेकंड के दरमियान 6 लोग करीब आए 3-4 बाइकों पे और जोर जोर से शोर मचाते हुए उन्होंने माहौल बनाया और 30 से 60 सेकंड के बीच में मेरी डिक्की खोल के थैला निकाल के ले गए। हम लोग उनके पीछे भागे भी नहीं, कपड़े का थैला था, काफ़ी लोग उनके पीछे भागे भी लेकिन वो हाथ नहीं आ पाए। कितने पैसे थे? 2,65,000। काहे के पैसे थे? दुकान के कई, दुकान के रोज की सेल के अनाज की पड़ाओ। कंप्लेंट करी, रात को FIR करी थी। CI साहब DI साहब रात को 3-3:30 बजे तक हमारे साथ थे, उन्होंने 4-5 जनों को गिरफ्तार भी किया है, तफ्तीश चल रही है उनके तरफ से। क्या लगता है आपकी दुकान के यहाँ से रेगिंग करी हुई? हो सकता है मे बी यहाँ से करी हो या रास्ते में करी हो। सॉरी, पैसे स्कूटर की डिक्की में थे, स्कूटर की डिक्की लॉक थी, मास्टर की से खोला, चाबी स्कूटर की मेरे हाथ में ही थी। फुटेज आए हैं ऊपर, दुकान के ऊपर ही CCTV लगा हुआ है, उनमें फुटेज आए हैं, पहचान चल रही है। फुटेज में दिख रहा है कि दो लोग आए हैं, एक लड़के ने स्कूटर से निकाला है, उसको पकड़ने की भी कोशिश करी है लोगों ने लेकिन वो भाग निकले हैं। दिलीप थदानी। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कलेक्टर सभागार में हुई चर्चा, कई विभागों के अधिकारी हुए शामिल। आज अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित हुई जिसमें प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बैठक में 3 किलोमीटर तक बन रहे एलिवेटेड रोड को लेकर चर्चा हुई, साथ ही ओपन जिम आना सागर का और क्या सौंदर्यकरण हो सकता है उसको लेकर भी कई अधिकारियों ने अपने सुझाव दिए। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 जून 25 को प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, उसको 4 साल हो गए हैं। अभी 2:30 बजे से 3:30 बजे तक माननीय मंत्री महोदय भारत सरकार हरदीप जी पुरी साहब ने संबोधित किया था प्रेस को, और उसके बाद ये निर्देश दिए गए थे कि आप जहाँ जहाँ भी स्मार्ट सिटीज़ है 100 शहरों की, उनके वहाँ के प्रेस परिषद के लोगों को बुलाकर और उनको भी ब्रीफ किया जाए स्मार्ट सिटीज़ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और आने वाले समय में क्या संभावनाएँ हैं, क्या प्रोजेक्ट्स हैं। तो उसी सिलसिले में आप सबको यहाँ पर बुलाया गया था और अभी जो ब्रीफ किया गया है, मेजर अजमेर के अंदर RSRDC की एक RSRDC के माध्यम से एक एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है लगभग 3 किलोमीटर लंबा, जो शहर की बहुत ज़्यादा ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और दूसरा, वाटर सप्लाई से संबंधित जितने भी गैप्स हैं उनको यथासंभव दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, और अलावा इसके जो जो भी और काम हैं छोटे वो बताए गए हैं। कुछ इक्विपमेंट्स भी हम म्यूनिसपैलिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए दे रहे हैं, जैसे मोटे तौर पर 52 मीटर ऊंची फायर फाइटर होगा जिससे हाई राइज बिल्डिंग के चैलेंजेस को दूर कर लेंगे। शहर के अंदर अपन काफ़ी गार्डन्स तैयार कर रहे हैं, प्लस जिम लगवा रहे हैं, और आना सागर को जितना ब्यूटीफाई कर सकते हैं, जितना रिस्टोर कर सकते हैं, जितना टूरिज्म के लिए प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं वो सब कर। मैं भवानी सिंह, अभ्यर्थी RS मेंस 2018। सर्वप्रथम तो मैं RPC को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कठिन समय में ये एग्ज़ाम करवा दिए, और पेपर को जो आज हमने देखा वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग थे और समय सीमा के आधार पर जो पेपर बनाया गया इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। किसने क्या किस दिन तो मापदंड के अकॉर्डिंग आए, और पार्ट थे 3 और प्रत्येक पार्ट 3-3 भागों में बांटा हुआ था। पर्सन जो भी आए वो सिलेबस के अकॉर्डिंग थे और हम हमारी तैयारी से उसमें संतुष्ट हैं। भवानी सिंह। पेपर RS मुख्य परीक्षा थी, पहली बार ऐसा पेपर देखा है जिसमें फैक्चुअल कम कर दिया है। जैसे पिछले जो मैं ये 4th-5th बार मेंस दे रहा हूँ तो मुझे ध्यान है पहले फैक्चुअल ज़्यादा आते थे, इस बार 1-2 प्रश्न केवल फैक्ट से पूछे थे, जैसे कि
विश्व वल्लभ ग्रंथ क्या है, बस मुझे एक दो ऐसे क्वेश्चन ध्यान है, बाकी सारे जो क्वेश्चन थे वो आपके विश्लेषण क्षमता का, मतलब क्वेश्चन ऐसे थे कि यदि आप उन्हें छोड़ के आ सकते हैं यदि घबरा जाएं तो, लेकिन यदि थोड़ा सा भी यदि आप अपने दिमाग को और जो भी ज्ञान आपने बटोरा उसका उपयोग करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर लिख के आएंगे। तो व्यक्ति के विश्लेषण कौशल और अभिव्यक्ति क्षमता को जांचने वाला ये पेपर बनाया गया, और ये वास्तव में एक सुधार है, ये UPSC पैटर्न की ओर बढ़ती हुई जो है प्रवृत्ति RPSC की, ये दिखता है। गौरव सोनी पेपर एक मिनट मैम, एक मिनट जी बोलिए, एक थोड़ा धीरे मैम, एक मिनट। पेपर वॉज एनालिटिकल, लाइक इट वॉज नॉट दैट जैसे कि पहले आता था वैसा नहीं था, कुछ जो थे वो बहुत ही एनालिटिकल पूछे थे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, उन्होंने इस बार डायरेक्ट नहीं पूछा था, दे आस्क द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और उसको कैसे इम्प्रूव किया इंडिया ने। और एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा ही टफ थे। राजस्थान वॉज मॉडरेट, एनी वन कैन आंसर इट वेरी इजिली। अकाउंट एंड ऑडिटिंग वॉज डायरेक्ट, देर वॉज नो क्वेश्चन कि हाँ आप कोई आंसर ही ना कर सको, अकाउंट एंड ऑडिटिंग वॉज डायरेक्ट। एंड लाइक मॉडर्न हिस्ट्री से भी अच्छा क्वेश्चन था, इट वॉज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ बॉक्स तो ऐसा कुछ नहीं था, पर हाँ एंशंट हिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन रह गया था जहाँ ये लग रहा था कि बस मतलब कुछ भी पढ़ लो, सुना ही नहीं था। वो टर्म्स ऐसी थी कि कभी सुनी ही नहीं थी। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम मीनू वर्मा है। अलवर गेट पुलिस स्टेशन में पंके भेट सर्व सिंधी समाज महासभा का सामाजिक सरोकार। सर्व सिंधी समाज महासभा द्वारा चलाए जा रहे पंखे वितरण कार्यक्रम में सोमवार को भूतपूर्व मंत्री स्वर्गीय किशन मोटवानी जी की स्मृति में अलवर गेट पुलिस स्टेशन में पंखे भेंट किए गए। नगर अध्यक्ष सोना धनवानी ने बताया कि भूतपूर्व मंत्री व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव ललित भाटी के नेतृत्व में पंखे भेंट किए गए। इस अवसर पर महासभा के सभी पदाधिकारी, उपाध्यक्ष निशा जेसवानी, हरिराम कोडवानी, लक्ष्मण तोलानी, सचिव गिरीश आसनानी, ऋतु गोस्वामी व ज्योति करमवानी, भगवान चंदवानी, एडवोकेट सत्यनारायण सोलंकी व कांस्टेबल मनीष कुमार शर्मा, मुकेश कुमार मीणा, राजेंद्र सभी उपस्थित थे। थानाधिकारी मुकेश चौधरी, चौकी इंचार्ज दयानंद शर्मा ने खुशी जाहिर करते हुए महासभा के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर धन्यवाद दिया। उपाध्यक्ष निशा जेसवानी ने बताया कि महासभा की ओर से लगातार सामाजिक कार्यों में भूमिका निभाई जाती है व पौधरोपण के साथ साथ समाज को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। अब ये बताइए आज क्या है? आज सर्वसदी समाज महासभा द्वारा स्वर्गीय किशन मोटवानी की स्मृति में जो पंखे वितरण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज हमने प्रदेश महासचिव ललित भाटी जी के नेतृत्व में अलवरगढ़ थाने में और चौकी पे दो दो पंखे भेंट किए हैं। भिक्षा गर्मी को देखते हुए ये कार्यक्रम चला रहे हैं और इस कार्यक्रम में हम महासभा के सभी पदाधिकारी, पुलिस स्टाफ, थानाधिकारी मुकेश चौधरी और चौकी इंचार्ज दयानंद शर्मा जी, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह जी, कांस्टेबल मनीष शर्मा, मुकेश मीणा जी वे महासभा के सभी लोग मौजूद थे। नगर अध्यक्ष सोना, अरस 2018 की मुख्य परीक्षा हुई आज से प्रारंभ। RPSC सेकेंडरी के शर्मा ने सावित्री स्कूल सेंटर में पहुंचकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। RPSC की ओर से RS मेंस 2018 की परीक्षा से शुरू हुई परीक्षा दो पारियों में होगी, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। 82 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा में 22,987 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए हैं। कुल 1,017 पदों के लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है जिसमें नॉन TSP क्षेत्र के 980 और TSP क्षेत्र के 37 पद हैं। RPSC सेकेंडरी के KK शर्मा ने कुछ परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और उनकी व्यवस्थाओं को परखा। KK शर्मा ने बताया कि विभाग द्वारा सभी माकुल व्यवस्था की गई है और अभ्यर्थियों को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अजमेर संभाग की तरह सभी संभाग मुख्यालयों पर इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वही बताया कि कहीं पर भी परीक्षाओं को देखते हुए इंटरनेट आदि व्यवस्था बंद नहीं की गई है और हमें पूरा यकीन है कि परीक्षाएं सफलतापूर्वक आरंभ की जाएगी। देखिए आज RS 2018 की मुख्य परीक्षा आज प्रारंभ हो चुकी है। आज पहला पेपर था और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से सभी जगह शुरू हो गया है और इवन अजमेर संभाग के अलावा, मुख्यालय के अलावा बाकी 6 संभाग मुख्यालयों पर भी स्कूली प्रारंभ हो गया है। क्या सुविधाएं सभी तरह की सुविधाएं हैं, लाइट, बिजली, पानी, सभी तरह की व्यवस्थाएं हैं। मैं खुद पर्सनली 3-4 सेंटर विजिट करके आया हूँ, सब व्यवस्था है। नेट वगैरह बंद नहीं किया हमने, लेकिन हमारी माकूल व्यवस्था है कि इस तरह का कोई इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।